हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपना वजन तो घटाना चाहते हैं, लेकिन डाइटिंग करने का टाइम नहीं है, या फिर सुबह सुबह दौड़ने में आलस आता है। सुबह नाश्ते में पराठे बनाना तो आसान लगता है, पर अगर कुछ हेल्दी बनाना पड़े जैसे कि वेजिटेबल दलिया या वेजिटेबल ओट्स, तो बहुत मुश्किल काम लगता है। फिर सारा दिन तो घर से बाहर होते हैं, बिजी रहते हैं, तो वजन घटाने का टाइम कहाँ से लाए। अगर आप भी इसी चक्रव्यूह में फंसे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सुबह की 6 ऐसी आदतें जिन्हें आपने अपना लिया तो आप जल्दी और आसानी से अपना वजन घटा पाएंगे। और एक बार वजन कम हो गया तो हमारी गारंटी है इसी 6 आदतों से आपका वजन मेंटेन भी रहेगा, फिर से बढ़ेगा नहीं। सुबह की सिर्फ ये 6 आदतें ही वजन घटाने के साथ साथ आपको सही रूटीन में लाएंगी, आपकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ा देगी, आपकी सेहत को और ज्यादा बढ़िया कर देंगे, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएंगे जिससे आप कम बीमार पड़ेंगे, आपका कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगा जिससे आपका परफॉर्मेंस लेवल भी बढ़ेगा और आप हर फील्ड में तरक्की करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिन की शुरुआत करें गुनगुने पानी से। सबसे पहले जैसे ही आप सुबह अपने बिस्तर से उठते हैं, सीधा जाइए किचन में, एक ग्लास पानी को हल्का सा गर्म करके कहीं एक जगह बैठकर धीरे धीरे इसे पिए। आप चाहे तो यहाँ वैरायटी कर सकते हो, जैसे कि कभी कभी ले लिया गुनगुना पानी, या इसकी जगह कभी ले लिया जिंजर का पानी या हल्दी का पानी। ये पानी पीने से आपके शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, जिससे आपके शरीर को फैट घटाने में सहायता मिलती है और तेजी से वजन कम होता है। सुबह चाय पीने के बजाय गर्म पानी में नींबू और शहद लेना शुरू करें। चाय से आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन जरूर मिलता है, लेकिन कोई फायदा नहीं मिलता। और तो और, जब आप पूरे दिन घर से बाहर रहते हैं तो चाय तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन ये नींबू और शहद वाला पानी आप घर से बाहर रहकर नहीं ले पाएंगे। इसीलिए ही सुबह सुबह ही इनका फायदा जरूर ले लीजिए। इसे बनाना भी बहुत आसान है। एक ग्लास गुनगुने पानी में आधा नींबू का रस डाल ले और एक चम्मच शहद डाल ले। सुबह नींबू और शहद का पानी आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है। नींबू पानी आपके शरीर में फैट जमा नहीं होने देता, जिससे आपका वजन कम होता है। इसे रेगुलर लेने से आपका डाइजेशन भी अच्छा होता है, इम्यूनिटी भी बढ़ती है और आप पूरा दिन एनर्जेटिक एक्टिव महसूस करते हैं। सुबह की धूप भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होती है। इससे हमारी बॉडी को विटामिन डी मिलता है और हमारे बोन्स भी हेल्दी रहते हैं। हमारी आज की लाइफस्टाइल में धूप में जाना हमारा होता ही नहीं है। हम पूरा दिन एक बंद कमरे में बैठकर ही काम करते हैं, जिससे हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है। और विटामिन डी की कमी की वजह से भी आपका वजन और ज्यादा बढ़ सकता है। इसीलिए आपको कम से कम दिन में आधा घंटा धूप जरूर लेनी है। अगर आपके घर में अच्छे से धूप आती है तो कुछ देर वहीं बैठ के आप योगा कर सकते हो या मेडिटेशन कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम कम है तो अपने रूटीन का काम ही वहीं बैठकर कर ले, जैसे कि सब्जी काटना या कपड़े तय करना, कुछ भी। आपका काम भी हो जाएगा और साथ में आपकी बॉडी को विटामिन डी भी मिल जाएगा। अगर कभी रास्ते पे जैसे कि आपको बस का, ऑटो का इंतजार करना होता है, तो हो सके तो धूप में खड़े रहे, आपका सनबेडिंग भी हो जाएगा और इंतजार भी हो जाएगा। हर रोज कम से कम 15 मिनट से आधे घंटे की वॉक या जॉगिंग जरूर शुरू करें। अगर आपको लगता है कि टाइम की कमी है तो आधा घंटा जल्दी उठ जाए, लेकिन इसे अपने रूटीन का हिस्सा जरूर बनाए। जो फ्रेश एयर और ऑक्सीजन आपको सुबह वॉक करने से मिलती है, वो शाम के वॉक करने से नहीं मिल सकती।
सुबह हरी घास पर चलने से भी बॉडी को बहुत फायदा होता है और माइंड भी रिलैक्स रहता है। अगर हर रोज वॉक करना आपको बोरिंग लग रहा है तो इसे इंटरेस्टिंग बनाए। आप वॉक करते समय अपना फेवरेट म्यूजिक सुन सकते हैं या फिर ग्रुप में दोस्तों के साथ जा सकते हो। हर रोज कुछ ना कुछ नया भी कर सकते हो, जैसे कि कभी बैडमिंटन खेल लिया तो कभी वॉलीबॉल खेल लिया, कभी एक्सरसाइज करी या रनिंग किया या एरोबिक्स तो कभी जुम्बा। अपने वर्कआउट में वैरायटी रखेंगे तो वो भी आपको मजेदार लगेगा। ब्रेकफास्ट आपके दिन का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा मील होना चाहिए। आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, अपना ब्रेकफास्ट कभी भी मिस ना करें। यह भी ध्यान रखिए कि वेट लॉस करने के लिए कम खाना कोई सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि हेल्दी खाना सॉल्यूशन है। आपके नाश्ते में प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए। नाश्ते में आप वीक में दो बार वेजिटेबल ओट्स ले सकते हो या फिर ब्राउन ब्रेड का सैंडविच या वेजिटेबल दलिया, वेजिटेबल पोहा, वेजिटेबल उपमा, वेजिटेबल पराठा ये ले सकते हो। और बाकी के दिन में आपको लेना है वेजिटेबल जूस और दो घंटे के बाद कोई सीजनल रीजनल ओरिजिनल फ्रूट्स जैसे कि सेब, पपीता, केला इत्यादि, जिसमें प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। एक ग्लास दूध भी पूर्ण आहार का काम करता है, लेकिन दूध में चीनी ना डाले। इसमें आप मिश्री डाल सकते हो या फिर शहद डाल सकते हो या फिर आप इसमें खजूर भी डाल सकते हो। सुबह का नाश्ता आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी भी देता है और बॉडी को एक्टिव भी रखता है। आप दिन में कितनी कैलोरी ले रहे हैं इसका भी ध्यान रखिए। हर दिन आप ख्याल रखें आप क्या खा रहे हैं और वह आपके लिए कितना सही है। अगर आप सुबह सुबह इतना ध्यान रख लेंगे तो पूरा दिन आप अकॉर्डिंगली प्लान कर पाएंगे। जैसे अगर सुबह आपने वेजिटेबल दलिया या फिर वेजिटेबल पोहा और वेजिटेबल उपमा ले लिया है तो ध्यान रखें डिनर आपको एकदम लाइट लेना है, जैसे कि सिर्फ वेजिटेबल सलाद और सूप लेना है। अगर सुबह आपने सिर्फ फ्रूट्स लिया है तो आप डिनर में कोई भी वेजिटेबल वाली रेसिपी ले सकते हो। इस तरह अगर आप अपनी कैलोरी को नियंत्रण में रखेंगे तो आपका वजन कभी नहीं बढ़ेगा। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वेट लॉस के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, कितना भी किया फिर भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो ये आपकी प्रॉब्लम हमें कमेंट में जरूर बताएं।